हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाइयों, आज हम मारुति के शोरूम में पहुंच चुके हैं। आपके सामने खड़ी हुई है गाइस एस्प्रेसो। एस्प्रेसो का ये टॉप मॉडल है। इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आपको आता है गाइस इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट, उसके ऊपर आता है VXI और ये VXI प्लस मॉडल है गाइस। टॉप वेरिएंट है, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता। इसमें आपको पेट्रोल और CNG का ऑप्शन मिलता है गाइस। इसकी हम फ्रंट से बात कर लेते हैं गाइस, इसका रिव्यू करेंगे आज हम। इसमें आपको क्या कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है इस वेरिएंट में, फ्रंट से इसका रिव्यू शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस आपको जो आगे वाली लाइटें देखने के लिए मिलती हैं। इंडिकेटर आपको हेलोजन में दिया गया है। नॉर्मल वाला आपको जो है सेटअप इसमें दिया गया है। आगे आपको मैट में आपको आगे वाली ग्रिल मिल जाती है और सुजुकी का लोगो यहाँ पर आपको क्रोम में दिया गया है। यहाँ पर आपको बॉडी कलर ही बम्पर मिल जाता है गाइस। यहाँ पर आपको मैट में आगे वाली रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है और यहाँ पर लाइसेंस प्लेट के लिए जगह इन्होंने दे रखी है। नीचे आप देख सकते हो प्रॉपर आपको मैट का यहाँ पर यूज़ मिलता है गाइस। यहाँ पर आपको टोइंग हुक मिल जाती है। कोई भी फॉग लाइट वगैरह का आपको ऑप्शन इसमें नहीं देखने के लिए मिलता। काफ़ी नीची गाड़ी जो है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो दी गई आपको ये। साइड से हम बात कर लेते हैं टायर की। यहाँ पर आपको इसमें टायर मिलते हैं गाइस। साइज़ की बात करें तो वो मिलता है 165/70R 14 इंच के आपको स्टील रिम के साथ टायर मिलते हैं गाइस। हालांकि व्हील कैप आपको उसके ऊपर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप कवरिंग वगैरह देख सकते हो अच्छे तरीके से जो है कंपनी ने कर रखी है गाइस। यहाँ पर आपको फेंडर पर ही इंडिकेटर मिल जाता है गाइस। ORVM में आपको बॉडी कलर मिलते हैं और लोअर पार्ट जो आपको मिलता है मैट कलर में। यहाँ पर आपको AC पिलर बॉडी कलर मिलता है और B पिलर आपको मैट ब्लैक कलर में दे रखा है। यहाँ पर आपको नॉर्मल वाले डोर हैंडल मिल जाते हैं जो आपको बॉडी कलर मिलते हैं और यहाँ पर आपको जो है मैनुअल की लगाने के लिए प्रोविजन दे रखी है। साइड में हम बात करें तो यहाँ पर आपको साइड वाली आपको स्किड प्लेट इसमें मिल जाती है गाइस, जो आपको मैट में मिलती है। रियर में हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े गाइस आपको जो है ग्लास एरिया इसका दिया गया। काफ़ी हाइटी गाड़ी जो आपको लगती है ये। पीछे हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर आपको जो है नीट एंड क्लीन इसका जो है रियर वाला लुक आपको मिल जाता है। एक बार आप रियर से जो है इसका ओवरव्यू ले सकते हो गाड़ी का। बात करें टेल लाइट की तो यहाँ पर आपको फुली हैलोजन सेटअप मिलता है टेल लाइट का। यहाँ पर आपको इंडिकेटर दे रखा है, रिवर्स लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको दे रखी है इसकी ब्रेक लाइट। नीचे आपको यहाँ पर आप मिल जाते हैं दो रिफ्लेक्टर गाइस। सुजुकी का लोगो दे रखा है। मैनुअल की लगाने के लिए प्रोविजन मिल जाती है और यहाँ पर एस्प्रेसो की बैजिंग जो कर रखी है उन्होंने। यहाँ पर आपको कोई भी वाइपर डिफॉगर नहीं मिलता गाइस। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। कोई भी आपको एंटीना यहाँ पर शार्क फिन वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। हालांकि आगे आपको जो है नॉर्मल वाला एंटीना यहाँ पर आपको गाइस मिल जाता है देखने के लिए। बम्पर की बात करें तो मैट का यूज़ बम्पर में कर रखा है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर मैट यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आपको लाइसेंस प्लेट के लिए जगह जो मिल जाती है। दो आपको मिलते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका फ्यूल टैंक जो आपको मिलता है गाइस 27 लीटर का। केवल पेट्रोल में आती है और यहाँ पर आपको जो है CNG का ऑप्शन भी है जिसमें मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस का। आपको जो है यहाँ पर आपको जो है की लगाने के लिए प्रोविज़न मिलती है गाइस। यहाँ से आप जो है इसकी की लगा करके इसको ओपन जो कर सकते हो। यहाँ पर मिलता है आपको 240 लीटर का बूट स्पेस गाइस। देख सकते हो काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश के साथ आपको बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पर आप प्रॉपर कवरिंग वगैरह आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको रियर वाली सीट है जो आप बेंच फोल्डिंग कर सकते हो गाइस। नीचे हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका स्पेयर व्हील। साइज़ की बात करें तो वो मिलता है गाइस 165/70R 14 इंच का स्टैंडर्ड साइज मिलता है गाइस। कोई भी कॉस्ट कटिंग वगैरह आपको नहीं मिलती। पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है, देख सकते हो छोटी सी आपको पार्सल ट्रे इसमें मिलती है। कोई भी एक्स्ट्रा फीचर वगैरह हालांकि आपको इसमें नहीं मिलता। यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल आप इसे जो है बंद कर सकते हो गाइस। मेन बात आती है इंटीरियर की। इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो उससे पहले आप की इसकी देख सकते हो गाइस। ऐसी कुछ आपको की मिलती है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो, यहाँ पर आपको अनलॉक और लॉक। कोई भी साउंड वगैरह गाड़ी जो नहीं करती गाइस। चलते हैं इंटीरियर में। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल की मिलती है गाइस, एक आपको मिलती है रिमोट की। इंटीरियर में चलते हैं। नॉर्मल आपको मिलते हैं डोर हैंडल। इंटीरियर में गाइस आ चुके हैं। इग्निशन एक बार इसका ऑन कर लेते हैं क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल की मिलती है। यहाँ पर आपको प्रोविजन जो मिल जाती है की लगाने के लिए। इग्निशन गाइस इसका ऑन हो चुका है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है इसका। यहाँ की जगह आपको यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर प्लेस कर दे रही है कंपनी। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका, यहाँ पर मिल जाता है आपको इसका स्टीरियो सिस्टम। बात करें इस तरफ तो आपको डोर पैनल मिल जाता है। प्रॉपर ब्लैक कलर में आपको इसका इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पर आप डोर पैनल देख सकते हो गाइस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्रॉपर ब्लैक कलर का यूज़ इन्होंने कर रखा है। नीचे आपको जो है बोतल होल्डर मिल जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ORVM देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छे खासे बड़े दे रखे हैं। काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी के साथ आपको मिल रहे हैं ORVM। AC वेंट मिल जाते हैं। सराउंडिंग एरिया आपको साटन में दे रखा है। यहाँ से आप जो है इनको गाइस एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो आप। हालांकि फोल्ड अनफोल्ड आपको जो है मैनुअली करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन दे रखा है। नीचे आपको मिल जाता है इसका हेडलैम्प लेवलर गाइस। नीचे आपको तीनों पैडल दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको नॉर्मल मिलता है गाइस टॉप मॉडल में भी। यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टीरियो सिस्टम के कंट्रोल और यहाँ पर आपको कॉलिंग के कंट्रोल जो दे रखे हैं।
एयरबैग की बैजिंग कर रखी है, दोनों तरफ दो एयरबैग आपको मिल जाते हैं। हॉर्न की बात करें ऐसा कुछ सिंगल आपको पी हॉर्न मिलता है इसमें। एसी वेंट यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से प्लेस कर रखे हैं डिजाइनदार में। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के दोनों तरफ आपको एसी वेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो एस्प्रेसो में ही मारुति ने कंटिन्यू किया था सेंटर में देने के लिए, जो अब जो अल्टो केटा वगैरह में भी गाइज यूज कर रही है नई वाली में। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीडोमीटर आपको जो स्पीड शो होती है डिजिटल 180 तक। यहाँ पर आपको जो वार्निंग लाइट वगैरह मिलती रहती है, फ्यूल की वार्निंग यहाँ पर, किलोमीटर आपको यहाँ पर शो होते हैं, और इंजन की वार्निंग लाइट वगैरह जो वो आपको यहाँ पर शो होती रहती है। नॉब आपको मिल जाती है यहाँ पर जिसे आप इसे सेट वगैरह जो कर सकते हो, देख सकते हो ट्रिप ए ट्रिप बी किलोमीटर गाइज एवरेज भी आप इसमें जो है देख सकते हो, रेंज भी गाइज आप देख सकते हो कितना फ्यूल बचा गाड़ी में और कितनी गाड़ी जो है चलने वाली है, तो यहाँ से आप इसे रीसेट वगैरह जो कर सकते हो। नीचे हम बात करें तो आपको 7 इंच का इसमें डिस्प्ले मिल जाता है जो वही बलेनो के टाइम का ही आ रहा है, हालांकि आपको इसका इंटरफेस जो है वो चेंज मिलता है। यहाँ पर हम बात करें ऊपर तो यहाँ पर आप सेटिंग में जा सकते हो, देख सकते हो वही मिलता है इंटरफेस जो आपको थोड़ा सा इसमें चेंज मिलता है। यहाँ से जो है बैक आप जो है यहाँ से आप जा सकते हो, यहाँ से आप जो है मीडिया फोन कनेक्ट वगैरह आप यहाँ से ही कर सकते हो। इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जो आता है वो भी इसमें आप रन कर सकते हो। तो इस तरफ हम बात करें तो आपको प्रॉपर जो हार्ड प्लास्टिक मिलता है साटन का यूज़ कर रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर ब्लैक कलर का इंटीरियर आपको मिलता है। एयरबैग की बैजिंग वगैरह आपको मिल जाती है, फ़ोन वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो आपको पावर विंडो के कंट्रोल गाइस आगे वाली दोनों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, कोई भी आपको ऑटो में नहीं मिलती विंडो। यहाँ पर आपको हजार्ड लाइट के कंट्रोल जो मिल जाते हैं, यहाँ पर भी क्रोम का यूज़ कर रखा है। नीचे हम बात करें तो आपको मैनुअल एसी मिलता है इसमें, यहाँ से आप डायरेक्शन वगैरह सेट कर सकते हो, एसी ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, फैन स्पीड और यहाँ से आप जो कूल हॉट वगैरह का सेलेक्ट इसमें कर सकते हो। नीचे हम बात करें तो आपको 12V का यहाँ पर दिया गया चार्जिंग सॉकेट और USB और ऑक्स लगाने के लिए प्रोविज़न आपको यहाँ पर मिल जाती है। नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, दो मिल जाते हैं कप होल्डर आपको। यहाँ पर आपको 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक का भी गाइस ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। इस तरफ हम बात करें तो आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है, सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रोविज़न आपको दोनों तरफ दे रखी है, क्योंकि गाइस एंट्री लेवल की गाड़ी है, आप देख सकते हो काफी अच्छी खासी और सुंदर सी गाड़ी इन्होंने बना रखी है। एक कॉम्पैक्ट सी गाड़ी जो है मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी अच्छी गाड़ी जो रहती है ये। यहाँ पर हम बात करें तो आपको फैब्रिक में इसकी सीट्स मिलती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो फैब्रिक कम लेदर का यहाँ पर इन्होंने यूज जो कर रखा है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, डॉक्यूमेंट रखने के हिसाब से बहुत अच्छा दे रखा है स्पेस। एसी वेंट दे रखे हैं उस तरफ भी आपको सेम पोर्शन जो कंटिन्यू हो रहा है, स्पीकर की प्लेसमेंट वगैरह आपको उस तरफ भी जो है मिल जाती है। ऊपर हम बात करें तो आपको सनशेड मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी मिरर वगैरह नहीं मिलता। ड्राइवर साइड की बात करें तो आपको कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया गया। इस तरफ आपको मिल जाती है एक रूफ लाइट जो आपको मिलती है हैलोजन में। यहाँ पर आपको जो है मैनुअल एडजस्ट करने के लिए मिलता है इसका IRVM। यहाँ पर आपको माइक की प्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है। बात करें सीट की तो आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हो गाइस, इसमें आप जो है हाइट एडजस्ट वगैरह जो है वो नहीं कर सकते, हालांकि लंबर स्पोर्ट वगैरह जो है वो आप इसमें एडजस्ट जरूर कर सकते हो गाइस। बात कर लेते हैं गाइस अब रियर की, तो चलते हैं गाइस रियर में, वहां पर देखते हैं क्या कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड इसमें कर रही है रियर में गाइस। तो चल लेते हैं रियर में, डोर की थर्ड वगैरह आप सुन सकते हो गाइस, रियर में चलते हैं। रियर में गाइस आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रियर वाली जो विंडो के कंट्रोल है गाइस वो आपको मैनुअल मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वही मंदे टाइम के जो कंट्रोल आ रहे हैं वही आपको मिलते हैं इसमें। यहाँ पर भी आपको सिंगल टोन में इंटीरियर दिया गया है, और पीछे आपको कोई भी स्पीकर की प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिलती। इसमें आपको दो आगे स्पीकर गाइस जो है देखने के लिए मिलते हैं, ग्रैब हैंडल दिए गए हैं जो आपको फिक्स मिलते हैं। आगे वाले सीट्स के दोनों हेडरेस्ट आपको फिक्स मिलते हैं, पीछे भी दो हेडरेस्ट दे रखे हैं वो भी आपको फिक्स मिलते हैं, और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रोविजन आपको मिल जाती है। रियर में सीट्स की बात करें तो फैब्रिक की आपको मिल जाती है, वहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा गाइस ग्लास एरिया आपको जो विजिबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत आपको जो नहीं होने वाली। रियर में आपको कोई भी एसी वेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। सीट्स की आप देख सकते हो पोजिशनिंग वगैरह, स्पेस काफ़ी अच्छा है गाइस, लेग स्पेस हाई स्पेस आप देख सकते हो। बात करें हेड स्पेस की तो देख सकते हो गाइस हेड स्पेस के मामले में भी कोई भी दिक्कत आपको जो नहीं होने वाली, बहुत अच्छा हेड स्पेस है गाइस गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी हाइट के हिसाब से बहुत ऊंची बना रखी है गाइस। तो अब बात कर लेते हैं गाइस इसके इंजन की, इंजन आपको इसमें कौन सा दिया जा रहा है, तो चलते हैं इंजन की तरफ, वहाँ पर इंजन की स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर कर लेते हैं गाइस। बोनट खोलने के लिए लीवर जो आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर मिलता है गाइज आपको 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन, केवल पेट्रोल में आती है, और आपको CNG का ऑप्शन भी गाइज इसमें मिल जाता है, जो पावर निकालता है गाइज 65 BHP और 89 NM का टॉर्क आपको निकाल कर देता है ये इंजन गाइज।
वही आपको सलैरियो वगैरह में जो अल्टो वगैरह में कंटिन्यू हो रहा है वही इंजन है गाइज सेम, ये जो 1 लीटर वाला मारुति का आता है गाइज, काफ़ी रिफाइंड इंजन रहता है 3 सिलेंडर, हालांकि ये आपको मिलता है। फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी कर रखी है गाइज, यहाँ पर आपको बैटरी की प्लेसमेंट मिल जाती है। इंसुलेशन वगैरह आपको जो है नहीं मिलती, हालांकि गाड़ी काफ़ी साइलेंट है गाइज, यहाँ पर आपको ABS की यूनिट वगैरह जो मिल जाती है इसमें। बोनट की बात करें तो डिसेंट आपको बड़ी बोनट जो है इसका मिल जाता है, यहाँ पर हम बंद कर लेते हैं। मेन बात आती है गाइज डायमेंशन वगैरह की, तो उसकी बात कर लेते हैं तो आपको 3565 mm की आपको इसकी लेंथ मिल जाती है। विड्थ की बात करें तो 1520 mm की आपको इसकी विड्थ दी गई है गाइज, ठीक ठाक सी आपको लंबी चौड़ी गाड़ी इतनी आपको नहीं मिलती गाइज, कम्पैक्ट सी आपको ये गाड़ी आपको मिलती है। अगर हम हाइट की बात करें तो 1567 mm की आपको इसकी हाइट दी गई है, तो हाइट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी आपको हाइट की गाड़ी मिलती है, और 180 mm का आपको इसमें दिया गया। आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलता है गाइज वो भी अच्छा खासा आपको दे रखा है। तो मेन बात आती है गाइज इसके प्राइस वगैरह की, प्राइस की बात कर लेते तो 5,50,000 रुपये इस गाड़ी का आपको एक्स शोरूम प्राइस मिलता है गाइज। अगर हम ऑन रोड की बात करें तो करीब करीब 6,21,000 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जो रहता है गाइज, बाकी आपका प्राइस जो है वह ऑन रोड आपका स्टेट और सिटी के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो यही थी गाइज आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।